देखिए कक्षा 10 हिंदी पूर्व में आप लोगों को रसखान कवि जी का जीवन परिचय बता दिया गया है। अब इसके बाद आप लोगों को रसखान के सवैये। मानुष हों तो वही रसखान बसौम्रज गोकुल गांव के द्वारन, जौ पशु हों तो कहा बस मेरो चरौनित नंद की धेनु मझारन, पाहन हों तो वही गिरिको जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जौ खग हों तो बसेर करो मिलिकालिंदी फूल कदम की डाल। मान जो है रसखान जी अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरा इस जन्म के बाद यदि पुनर्जन्म हो तो मानुष हों तो वही रसखान, यदि मेरा मनुष्य योनि में जन्म हो तो वहां पर हो जहां मैं ब्रज भूमि और गोकुल में गोकुल के गांव में गोकुल में मेरा जन्म हो और मैं उन ग्वालों के साथ निवास करता रहूं। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, यदि मेरा जन्म पशु योनि में हो, पशु योनि मुझे प्राप्त हो तो मेरा निवास स्थान कहाँ हो, मैं कहाँ पर जन्म लूं? चरों नित नंद की धीन मझारन, मैं नंद की गायों के बीच में चरता, पाहन हों तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, और मैं पाहन हूँ अर्थात पत्थर बनूं तो किस पर्वत का पत्थर बनूं? वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, इंद्र की मूसलाधार दृष्टि से ब्रज को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छत्र की भांति हाथ पर उठा लिया था, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं। जो खग हों तो बसेरो करो मिलिकाल इंद्र कूल कदम की, और मेरा यदि जन्म पक्षी की योनि में हो, मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करो, मैं कहाँ निवास करूं, मेरा निवास स्थान कहाँ हो? मेरी कालीन निपुण कदम की धारण, जहाँ पर यमुना का किनारा हो और कदम की डालियों पर मैं निवास करता हूँ। यही जो है कामना, जो यही कामना जो है रसखान जी व्यक्त करते हैं। भोर के समय में कोई गोपिका जो है वह नंद के घर गई हुई है, वह वहां का वर्णन करती हुई कहती है कि आज गई होती भो रही हूं रसखान रही वही नंद के भाव नहीं, वाक जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात पर, तेल लगाई लगाई के अंजन भौ में बनाई बनाई डिठौ नहीं, डारी हमेलनी हार निहारत वारत जो कुछ कारत जो। गोपिका जो है भोर के समय में नंद के घर गई हुई है, वह कहती है कि मैं आज
भोर के समय में नंद के घर गई थी, नंद के भवन, और वह नंद के घर पहुंचती है तो श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करती है और उनके बाल स्वरूप को देख करके मुग्ध हो जाती है, मोहित हो जाती है। वह कहती है वा को जियो जुख जुग लाख करो। श्री कृष्ण का, नंद का जो पुत्र है, नंद और यशोदा का जो पुत्र है श्री कृष्ण, वह लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे, जीता रहे। जसोमति को सुख जात कहो। और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को, बाल सौंदर्य को देख करके यशोदा को जो आनंद की अनुभूति होती है, जसोदा को जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। तेल लगाए लगाए के अंजन। प्रातः काल माँ यशोदा बालक श्री कृष्ण को तेल लगाकर, उनकी आंखों में काजल लगाकर भौहें बनाए और उनकी भौहों को सुंदर बनाकर लगाई बिठौने ही, और उनके माथे पर काजल का टीका लगा करके मेरे बालक श्री कृष्ण को किसी की कुदृष्टि, किसी की नजर न लगने पाए। टिठौने डारी हमें निहार निहार। माँ यशोदा श्री कृष्ण के गले में सोने का हार पहनाकर उन्हें बार बार देखती हैं, निहारती हैं, उनके सुंदर बाल स्वरूप को देखती हैं। बारत जो कुछ कारत छो नहीं। और अपने बालक श्री कृष्ण की सुंदरता के ऊपर माँ यशोदा बार बार न्यौछावर होती हैं और उन्हें बार बार पुचकारती हैं, अपने बालक श्री कृष्ण के साथ अत्यंत स्नेह करती हैं। धूरि भरे अति शोभित श्याम जो तैसे बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजती, पीर कछोटी वा छवि को रस खान विलोकत, वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन। धूरि भरे अति शोभित श्याम जू, भगवान श्री कृष्ण धूल में खेलते हुए, धूल में सने हुए अत्यंत सुंदर लग रहे। शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसी ही सुंदर चोटी उनके सिर पर, बालों की चोटी जो है उनके सिर पर बनी हुई है, और धूल में सने हुए श्री कृष्ण का श्याम शरीर अत्यंत सुंदर लग रहा है। खेलत हाथ फिरे अंगना, और बालक श्री कृष्ण नंद के आंगन में खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए, माखन रोटी खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। पग पैजन बाजत पीर कछोटी, और उनके पैरों में जो पैजनी है उसके घुघरू जो है बज रहे हैं, और पीर कछोटी, और भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर में पीला कच्छा जो है धारण किए हुए, पहने हुए हैं। वा छवि को रस खानी विलोकत, इस प्रकार
बालक श्री कृष्ण का जो अत्यधिक सुंदर स्वरूप है, इतना मोहित कर लेने वाला जो बाल रूप है, बाल स्वरूप है, रसखान कवि जी कहते हैं उस छवि को, उस सौंदर्य को देखकर वारत काम कला निज कोटि, जिनकी सुंदरता पर करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी न्यौछावर हो जाती है, समर्पित हो जाती है। काग विभाग बड़े सजनी हरि हाथ सुने गए नाथ मोटी। रसखान जी कहते हैं कि वह कौवा बड़ा ही भाग्यशाली है, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी, जो भगवान श्री कृष्ण से के हाथों से खाते हुए माखन रोटी खाते हुए भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी छीन कर लेकर चला गया। अर्थात भगवान के हाथों से जिसे माखन स्वयं भगवान के हाथों से लेकर के खाने का जिसे जो है अवसर प्राप्त हुआ, माखन रोटी जो है भगवान के हाथों से लेकर के खाने का अवसर प्राप्त हुआ, वह कौवा बड़ा ही भाग्यशाली है।